आपको टीम जो कि आईएनडी थी, यहाँ पे गॉडल वर्सेस देखने को मिल रही, रेकनिंग रेकनिंग मैक्सियो की कॉपी के ऊपर लगातार ग्रेड बरसाए जा रहे हैं, क्लच गॉड वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाकी के प्लेयर्स थोड़ा सा स्प्लिटेड है, फिर वो चाहे चौको बॉय हो या नियो हो या फिर जॉनथन ही क्यों ना हो, क्लच गॉड यहाँ पे गैस जरूर है, ज्यादा देर होल्ड करना नहीं चाहते, जॉनथन की तरफ से लगातार ग्रेड बनाए जा रहे थे बट उनको भी यहाँ पे कोई व्यू नहीं मिला जहां से वो इजिली स्टैंड अप कर सके, फाइनली थोड़ा सा व्यू मिला जिससे ऊपर आते हुए दिखेंगे जरूर आपको, बाकी के तीनों प्लेयर्स अभी के लिए अपनी फाइट को डोमिनेट कर रहे हैं, रेकनिंग की पूरी टीम है जॉर्जो के नजदीक जो एक कंपाउंड होता है, वॉच टावर होता है स्क्वाड हाउस के नजदीक, वहां पे फाइट चल रही है, नीचे थ्रो करते तो आई थिंक मे बी कनेक्ट कर जाता बट ओ आर वैक्सी मार्कोस गेमिंग के विज गॉड को टेक डाउन करेंगे, नियो के ऊपर लगातार ग्रेनेड आते हुए दिख रहे हैं, रेकनिंग के मैक्सी ओपी एक वॉच टावर में अकेले प्लेयर है जो होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे रेकनिंग के, सुंदर देखने को मिलेंगे ईवो के एक प्लेयर को टेक डाउन करते दिखेंगे, और उसके साथ अगर बात करेंगे गॉल के क्लच शॉट भी हाथों में देखने को मिलेंगे, M416 लगातार शॉट कनेक्ट कर रहे हैं, क्लच गॉड जोन की बात करते हैं, जोन काफी इंटरेस्टिंग, चौको बॉय का ग्रेड मैक्सी को कर दिया गया है टेक डाउन, और मैक्सी अकेले प्लेयर थे तो वॉच टावर से कवर दे सकते थे, इसका मतलब गॉडल वर्सेस देखने को मिलेगी, रेकनिंग जी यहाँ पर आर को भी डाउन किया जाएगा, चौको बॉय के लगातार ग्रेड यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, सुंदर के ऊपर स्लैमिंग जाएगा, चौको बॉय यहाँ पे M4 के साथ स्लैमिंग डालते देखेंगे, जस्ट साहब में देखने को मिलेंगे, मार्कोस गेमिंग के भी प्लेयर डिफिकल्टी हो सकती है, जल्दी से जल्दी फाइट को अपने फेवर में करना पड़ेगा, यहाँ पे देखने को मिलेंगे रेकनिंग के बियर्ड बाबा, उनको भी सिक्योर किया जा सकता है एक परफेक्ट ग्रेनेड के चलते, एक परफेक्ट ग्रेनेड अगर गया डिफिकल्टी बढ़ेगी, बियर्ड बाबा इस सुंदर इस चौको बॉय पे शॉट लेंगे, लीड जरूर किया है, वापस स्लैमिंग के जा सकते हैं, पूरी की पूरी टीम गॉड लाइक चारों प्लेयर के साथ इस मैच में देखने को मिलेगा, एक कंप्लीट करके अब्रार को बाहर किया जाएगा, और देखते अकेले प्लेयर बचे क्या बाहर कर पाएंगे, जी हां क्लच गॉड देखने को मिलेंगे, यहां पे बियर्ड बाबा की हेल्थ काफी लो है, बियर्ड बाबा दो प्लेयर को ले जा चुके हैं, क्या तीसरे प्लेयर को ले जा पाएंगे, बट नहीं, नियो इज देयर, काबिले तारीफ लास्ट मूवमेंट तक रेकनिंग के बियर्ड बाबा ने उस फाइट को लिया, तीन प्लेयर डाउन हो गए थे गॉडल के बट वो उस फाइट को निकाला, लेकिन वेट अ मिनट, ओआर के प्लेयर से यहां पे आ चुके, अब गॉडल से दो आर देखने को मिलेगी, मार्कोस गेमिंग ईवो को टेक डाउन करेंगे, गॉडल के प्लेयर वहां पे मुसीबत में, जॉर्डन डाउन है, नियो डाउन है, एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, चौक को सिक्योर करना चाहेंगे, दोनों प्लेयर्स को रिवाइवल देना पहली प्रायोरिटी, स्मोक बॉल्स बनाइए, स्मोक बॉल्स बनाइए, रिवाइवल जितनी जल्दी पॉसिबल करेंगे उतना ही ज्यादा फेवरेबल रहेगा, स्मोक पॉज करिए, विजन ड्रॉप करिए सामने वाली टीम का, और ओआर के उस लास्ट प्लेयर को जितनी जल्दी आप सिक्योर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा, कि रेड के चलते जॉर्डन को किया जाएगा बाहर, क्लच गॉड अभी भी रिवाइवल मिल सकता है, क्लच गॉड इस मैच में अभी भी बचे हैं, बट चौको बॉय की हेल्थ देखिए, एक हॉप एचपी भी नहीं कहेंगे इसको, हेल्थ किट पंप अप जरूर करी, वापस से ग्रेनेड आ रहे हैं, मार्कोस गेमिंग के साथ फाइट, किसकी टीम के साथ फाइट, लेके दो गेमिंग गॉड भी डाउन, सिक्योर करेंगे, रौनक भी काफी लो है, अकेला प्लेयर गॉडल का ये सर्वाइव कर रहा है, गॉडल वर्सेस मार्कोस गेमिंग वर्सेस टीम ऑरेंज डॉग वर्सेस टीम रेकनिंग, एक के साथ निकाल चुके हैं, रेकनिंग को बाहर किया, ओआर को भी लगभग लगभग कर दिया, और मार्कोस गेमिंग के भी कई प्लेयर्स को बाहर कर चुके, एटलीस्ट दो प्लेयर्स को, बट चौको बॉय लगातार यहां पे ग्रेनेड फाइट, मार्कोस गेमिंग के विज गॉड करेंगे ओआर की टीम को बाहर, और इस ड्रॉप का सफर खत्म, पीछे से आ रहे हैं शॉट, और एक ग्रेनेड, ये डिसाइडिंग ग्रेनेड हो सकता है, क्या फटेगा जी, हां बूम, और किया गया कॉम प्लेयर को टेक डाउन, मैडमैन को भी टेक कर दिया गया, गोल्ड गॉडल के चौको बॉय लगातार, क्या ये स्लैमिंग सही रहेगा, क्या ये स्लैमिंग सही रहेगा जी, नहीं रौनक, long push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means.